हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मिले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 122 क्या कहता है। अगर हमने गलत इनवॉइस बना दिया, बिना इनवॉइस के सप्लाई कर दी, तो ये क्या हो सकता है, पेनल्टी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें क्या एक्शन ले सकती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैली डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए अपडेट्स, GST अपडेट्स, एजुकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेक्शन 122 CGST एक्ट। ये क्या कहता है, अगर आपने गलत इनवॉइस बना दिया और आपने सप्लाई माल या सर्विस की सप्लाई कर दी तो आपको क्या हो सकता है। अगर आपने बिना इनवॉइस के, इनवॉइस ही नहीं बनाया आपने और माल की सप्लाई कर दी तो आपको क्या हो सकता है, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इनवॉइस की वैल्यू सही नहीं, गलत इनवॉइस की वैल्यू आपने दिखा दी है तब भी आपको क्या पेनल्टी लग सकती है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर बताना हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वह सेक्शन 122 हमें बताता है, फर्स्ट सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 यह कहता है, सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस और वॉच विदाउट इश्यू ऑफ एनी इन्वॉइस और इश्यू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इन्वॉइस विद रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई। तो यहाँ पर कहा गया है विदाउट इश्यू, तो अगर आपने बिल इश्यू किया बिना अगर माल को सप्लाई कर दिया और एनी इन्वॉइस ऑफ इश्यू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इन्वॉइस, अगर आपने इनकरेक्ट इन्वॉइस बनाया, अगर नहीं तो फॉल्स इन्वॉइस बनाया, ये तीनों में से किसी भी बिल आपने बनाया है तो आपको पेनल्टी या तो फिर GST का नंबर आपसे कुछ भी पेनल्टी, गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है। इसके बाद 122 सबसेक्शन 2, इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई और गुड्स और सर्विस और बॉथ इन वैल्यूएशन ऑफ द प्रेवियशन ऑफ दिस एक्ट ऑफ और द रूल मेड थरेंडर। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2, इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई और गुड्स और सर्विस और बॉथ इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड थरेंडर। अगर विथआउट सप्लाई का माल और सर्विस अगर आपने वायोलेशन अपने सप्लाई कर दी है तो आपको प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर आपको GST की पेनल्टी, गवर्नमेंट पेनल्टी आपको दे सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स ड्यू। अगर आप टैक्स पेमेंट करने में बहुत देर कर देते हैं, ड्यू डेट के अंदर अगर आपने टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तब भी ये सेक्शन आप पर लागू होगा और इस सेक्शन के अंदर आपको पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टी लग सकती है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसके बाद चौथा पॉइंट है कलेक्ट एनी टैक्स इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बट फेल टू पे द सेम द गवर्नमेंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। अगर 3 months के अंदर आप टैक्स पे नहीं कर रहे, 3 months के अंदर, तब आप पर यह लागू हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये हमें
अगर आप इस केस में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको कितना पेनल्टी लग सकता है तो देखते हैं। ही शैल बी पब्लिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 10,000 रुपीज़, कितनी 10,000 रुपीज़, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यू ऑफेंस टू फर्दर फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 100 रुपीज़ फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट फॉर 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इन केस में अगर पकड़े जाते हो तो आपको 1,000 रुपीज़ पेनल्टी लग सकती है, 1,000 रुपीज़ CGST और 1,000 रुपीज़ SGST की पेनल्टी लग सकती है। और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट भी बता दी गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है तो कर सकती है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा और आप इसके बारे में ज़्यादा केयरफुली ले और गवर्नमेंट के इस रूल से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर इम्पोर्टेंट लगा है आपको तो इस वीडियो को शेयर कर दे, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और अभी तक पहली बार आया हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।